राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। इसके साथ ही संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान में 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा कायम रह सकती है। वहीं भाजपा ने भी इस मिजाज को भांपते हुए पहले कई नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतार कर संकेत दे दिए हैं कि राजस्थान को 10 साल बाद नया नेतृत्व मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव से पहले नए चेहरे पर दाव लगाने के मूड में है। गौरतलब है कि 2002 में भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे को सौंपी गई। तब भाजपा के पुराने नेताओं को ये बदलाव रास नहीं आया। पार्टी के बड़े नेता गुलाबचंद कटारिया ने राजे का विरोध किया। हालांकि तत्कालीन केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से वसुंधरा राजे 2003 में मुख्यमंत्री बनी। अपने कार्यकाल में वसुंधरा महिलाओं में काफी लोकप्रिय रही, लेकिन गुटबाजी बनी रही। फिर साल 2013 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की और उसे 163 सीटें मिली और राजे दोबारा मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद वसुंधरा राजे के नेतृत्व पर सवाल उठने शुरू हो गए। 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में गुटबाजी को खत्म करने के लिए बड़ी कवायद की। गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया तो राजस्थान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। दूसरी तरफ राजे और पीएम मोदी के बीच दूरियां 2013 के विधानसभा चुनावों के दौरान ही बढ़ने लगी थी। इन विधानसभा चुनावों में जीत का सहरा समर्थकों ने वसुंधरा राजे को पहना दिया, जबकि उन चुनावों में नरेंद्र मोदी का जादू चला था। 2014 में राजे ने फिर चूक कर दी। लोकसभा चुनावों में भाजपा ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें जीत ली। मोदी लहर में बड़ी जीत के मायने निकाले गए, तब वसुंधरा राजे ने इसका सारा श्रेय सामूहिक नेतृत्व को दिया। बताया जाता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जब मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे, तब वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी पर अपने समर्थकों को केंद्र में मंत्री बनाने का दबाव बनाया। बात तब और बिगड़ गई जब वसुंधरा राजे शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंची और दिल्ली के बीकानेर हाउस में बैठी रही। इसके बाद दोनों नेताओं में अनबन शुरू हो गई। वहीं अब भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी को 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा राज्यों में ताकतवर नेतृत्व की जरूरत होगी, इसलिए युवा नेताओं की संभावना टटोली जा रही है। यहां दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ युवा चेहरे हैं। वहीं आरएसएस भी भाजपा में युवा चेहरे को आगे लाने के पक्ष में है। यहां सवाल ये है कि अगर 3 दिसंबर के बाद राजस्थान में सरकार बदलती है तो वसुंधरा राजे को क्या रोल मिलेगा। चर्चा है कि वसुंधरा को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर संतुष्ट किया जाएगा या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनके केंद्र की राजनीति में एंट्री हो सकती है। लोकवार्ता न्यूज़ जयपुर।